9 ঘন্টার বদলে 1 টানা 14 ঘন্টার ট্রেন চালানোর ডিউটি সহ চালককে নানা সমস্যার প্রতিবাদ জানিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ চালানো অল ইন্ডিয়া লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের শতাধিক লোকো পাইলটেরা বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মালদার ইংরেজ বাজার শহরের পূর্ব রেলের DRM অফিসে এই অবস্থান বিক্ষোভ করেন মালদা ডিভিশনের সংশ্লিষ্ট সংগঠনের লোকো পাইলটেরা। তাদের বক্তব্য, ট্রেন চালানোর ক্ষেত্রে লোকো পাইলটদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শীত হোক বা গ্রীষ্ম, যে কোনো মৌসুমে কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী একজন লোকো পাইলট সর্বোচ্চ 9 ঘন্টা পর্যন্ত ডিউটি করতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশ লোকো পাইলটের 14 থেকে 15 ঘন্টা 1 টানা ডিউটি করতে হচ্ছে। এর ফলে শারীরিক ক্ষতির পাশাপাশি আরো নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে ট্রেন চালকদের। এরই প্রতিবাদ জানিয়ে পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের এদিন প্রায় 100 বেশি লোকো পাইলটেরা DRM অফিসের সামনে ধর্ণায় বসে জানানো হয় তাদের প্রতিবাদের কথা। আগামীতে এই আন্দোলন সর্ববৃহৎভাবে রেলের বিভিন্ন ডিভিশনগুলিতেও পরিবেশিত হবে বলে জানিয়েছেন অল ইন্ডিয়া লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা। আমরা আজ যো হ্যাঁ অল ওভার ইন্ডিয়া মে যো হ্যাঁ আমরা ধর্না কা প্রোগ্রাম হ্যাঁ চুকি আমরা বহু দিনো সে লম্বিত মাঙ্গে হ্যাঁ জেসে আমরা ওল্ড পেনশন স্কিম কো লাগু করনে কা হ্যাঁ 46 আওয়ার্স রেস্ট কা হ্যাঁ ইন সব বিভিন্ন মুদ্দো কে উপর যো ইন লোগো নে আব তক নাই ধ্যান দিয়া হ্যাঁ উসি কে রূপ মে যো হ্যাঁ হাম ধর্নে কে রূপ মে इस और ध्यान आकर्षण कराने का मूल अभी क्या क्या है आप लोगों का? मूल है ओल्ड पेंशन स्कीम, इंजन में जो है इंजन को एसी करने के लिए है, उसमें टॉयलेट की व्यवस्था करने की है, 46 आवर्स हमारा रेस्ट का है, हमको जो कि साप्ताहिक विश्राम नहीं मिलता है, जो अभी टूल बॉक्स वगैरह सब है जो कि अभी हमको ढोना पड़ता है, वो सब FSD है, वो सबको लोको में लगाया जाए। इस ये मूल ड्यूटी आप लोगों को ज़्यादा हाँ ड्यूटी आवर्स जो है अभी जो है रेलवे बोर्ड ने निकाला है 9 घंटे का, लेकिन अभी जो है उसमें साप्ताहिक जो है 125 घंटे ड्यूटी कराने का हो गया। तो इस इन सब मुद्दों पर जो है हमारा विशेष प्रोग्राम। पहले कितने घंटे था आप लोगों के लिए? पहले जो है साप्ताहिक जो है ये 15 दिन में जो है 104 घंटे का था, अभी जो है 125 घंटे का कर दिया गया। आपका नाम? आपका परिचय? मैं मणिभूषण, डिविजनल प्रेसिडेंट, एलर्सा मालदा। लगातार 3 नाइट 4 नाइट ड्यूटी कराया जाता है और 9 घंटा में तो कभी मालगाड़ी चालक का रिलीफ होता ही नहीं है, वो 13 घंटा 14 घंटा ऐसा ही होता है। अगर 13 घंटा 14 घंटा में हमें ले जाके बढ़रवा, हमें ले जाके मोनीडंगा, हमें ले जाके पाकुड़, हमें ले जाके चतरा ऐसा रिलीफ करा दिया जाता है, हेडक्वार्टर आते आते वो ड्यूटी 20 घंटा हो जाता है। और इसके ये में सपोर्ट में हम लोग बहुत मेमोरेंडम दिए लेकिन कोई सुनता नहीं है। ओवर टाइम भी नहीं दिया जाता है और जितना बहुत सा रनिंग कैडर का पोस्ट खाली है उसको भरा नहीं जा रहा है और जो रिटायर होते हैं वो चले जाते हैं। और पहले गाड़ियां कम थी, अभी गाड़ियां रोज बढ़ रही हैं लेकिन ड्राइवर उतने हैं। तो जब ड्राइवर कम है, गाड़ी बढ़ रही है, तो काम तो उसी से लिया जाएगा, तो जबरन काम लिया जा रहा है जो रेल एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण है। और इस पर हमारे अधिकारी महोदय लोगों का चाहे रेलवे बोर्ड का ये है कि इस पर मतलब सिग्नल पासिंग एट डेंजर, यानी शून्य हो, लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उसका मुख्य कारण है काम का दबाव। उसके बाद जैसे अभी हमारा इंजन फुल्ली एसी रहता तो इतनी ठंड में जहाँ टेम्परेचर 5 डिग्री 6 डिग्री हो जाता है, यानी 10 डिग्री टेम्परेचर अगर बाहर का रहेगा तो हमारे इंजन का टेम्परेचर 6 डिग्री हो जाता है, 3-4 डिग्री कम हो जाता है। और एसी नहीं रहने के कारण हमारे लोको पायलट मतलब इतनी ठंड में कांपते हुए ड्यूटी करते हैं, तो उनका मानसिक संतुलन खोना मतलब स्वाभाविक है और स्पैड होगा ही। ये मुख्य हमारा ये है। और जैसे NPS न्यू पेंशन स्कीम है, उस पैसा से रिटायरमेंट के बाद हमारे कर्मचारियों का काम चलेगा नहीं, यानी दवा का भी पैसा नहीं होगा उससे। आज आप धरने के लिए कहाँ बैठे हैं? आज हम मंडल कार्यालय मालदा मंडल में रेल प्रबंधक कार्यालय मालदा के मुख्य गेट पे बैठे हुए हैं। किसके पास आप जो दावी है? हम लोगों का दावी ये सेंट्रल वर्किंग कमेटी का आदेश है, ऑल इंडिया लोको रनिंग एसोसिएशन का, और ये DRM साहब को हम लोग मेमोरेंडम देंगे ये धरना प्रदर्शन के बाद। आप लोगों का जो दावी है वो अगर ना मानेंगे आप लोग अगले, तो फिर हम अगला डिसीजन GM साहब के पास जाएंगे, ऐसा ही धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी ये ऑल ओवर इंडिया के हर DRM बिल्डिंग के मेन गेट पे ये प्रदर्शन चल रहा है। अभी तो विंटर टाइम है, आप लोगों का रेल चलाने में कितना दिक्कत होता है? बहुत, इतना दिक्कत दिखता नहीं है,
मतलब सेफ्टी डिस्टेंस समझिए कुछ नहीं है, हम अंदाजा से रेल चलाते हैं। ये तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना? हाँ होगा, होता है, हो सकता है। क्या नाम है आपका? प्रिय रंजन भारती, लोको पायलट पैसेंजर, ऑल इंडिया लोको रनिंग एसोसिएशन, डिविजनल सेक्रेटरी, मालदा डिवीजन। किरे तोदर होलो? নতুন স্বপ্নে নতুন করে সেজো বিমল শাড়ি সেন্টার, কাঁচরাপাড়া। রজনীবাবু রোড, নিপেন সরকার রোড, আরপি স্কুল, নৈহাটি 6 নম্বর গেট, বিজয়নগর, ভাটপাড়া, রূপশ্রী হল, হালিশহর, রাজমহল হাউজিং এস্টেট। আজি ফোন করে বিস্তারিত জানুন। গীতা কনস্ট্রাকশন, 6289063557, 9831478795।